चलिए आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ रीमा अरोरा और आज हम लोग फार्मेसी और एस्ट्रोलॉजी की एक डेमो क्लास लेने जा रहे हैं। इस डेमो क्लास में हम एक नए कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये वो कोर्सेज हैं, दो कोर्सेज हैं इसमें, एक एस्ट्रोलॉजी का और एक फार्मेसी का। ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन लोगों ने एक बार एस्ट्रोलॉजी या फार्मेसी पढ़ ली है और अब वो उससे एडवांस्ड लेवल पर आगे इसको एक्सपैंड करके नए रिसर्च और नए फाइनर टेक्निक्स के साथ अपने प्रेडिक्शंस को एक शेप दे सके। ऐसा होता है कि जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है तो उस क्लाइंट की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम लोग कौन है, हम सिर्फ मेडिएटर्स हैं। तो हमें उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें सबसे पहले तो एक मेडिएटर बनाया। लेकिन अगर हम लोग खुद ही उसके सामने इतने लो होंगे या हमारे पास उसके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होंगे तो बहुत एम्बेरसिंग भी हो जाता है और वो डिससेटिस्फाइड होके जाता है। जब डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है तो वो किसी और को रिकमेंड नहीं करता है। हमारा सारा काम बहुत पब्लिसिटी पे चलता है। तो हम लोग को जब जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि अरे उस चीज में नई चीज ऐड ऑन होगी। उसके अलावा जिस पैटर्न पे हमने अपनी पढ़ाई करी होती है, जब हम उसको एक शेप देते हैं, एक नया रूप देते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हाँ, इसमें हमें नई चीजें और इसमें जोड़नी चाहिए। कुछ इमोशनल चीजें होंगी, कुछ फिजिकल जो चीजें होंगी। होता क्या है कि जो पर्सन मेन सीट पे बैठा होता है इज द सेंटर पीस, इज द सेंटर पीस ऑफ द होल रूम। पूरे कमरे का वो सेंटर पीस है और उसके चारों तरफ इतने सारे लोग आंखें खोल के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसके सामने बैठा है। तो आप उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्या आप उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो? देखिए, सही होना या गलत होना ईश्वर की मर्जी है, गर्म करना उसके हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या हम उसको गाइडेंस दे पा रहे हैं? हम किसी पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं या हमें उस चीज का ऑन द स्पॉट इमीडिएटली एक माइंड मैपिंग बन सकती है। तो जब भी हम दो सब्जेक्ट्स लेते हैं हमारे पास हमेशा ऐसी पैरेलल चलती है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है। इसलिए मैं चार्ट ऐसे तरीके से आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है और आज हम क्या करने जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री है और एस्ट्रोलॉजी है, हमने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं और हम लोग को इनके सारे बेसिक्स भी आते हैं। अब हमें सारी अगर हमें केमिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों ने बेसिकली सबसे पहले हैंड एज अ होल पढ़ रखा है। तो हैंड एज अ होल की बात करते हैं हम, तो इसमें हमारी देखिए फिंगर्स भी आ जाती हैं, हमारी थंब भी आ जाता है, हमारा पाम भी आ जाता है, सारे साइंस भी आ जाते हैं, सारे सिम्बल्स भी आ जाते हैं इसमें, सारे साइंस सारे सिम्बल्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद फिर लाइंस आ जाती हैं, तो सारे कॉम्बिनेशंस भी पढ़ रखे हैं हमने, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं इवेंट्स के, कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, वो भी हमने पढ़ रखे हैं। लेकिन क्या होता है, जब से हमारे सामने हाथ आता है उस टाइम हम थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें उसको किस स्टेप बाय स्टेप एक शेप देनी है। तो बेसिकली जो हमारा ये वाला कोर्स होगा, जो हमारा प्रेजेंट कोर्स होगा, दैट विल बी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग कौन कर सकता है? सिर्फ ट्रेनर्स कर सकते हैं। आप लोग बेसिकली ट्रेनर्स बन लोगे। अभी तक आप सिर्फ स्टूडेंट्स थे, अब क्या होगा, नाउ यू आर ट्रेनर्स नाउ। कि आपको चाहे किसी को पढ़ाना है, चाहे किसी को समझाना है, चाहे आपने उसके माइंड में कोई चीज फीड करनी है। मान लीजिए स्टूडेंट आ जाता है, उस स्टूडेंट का कुछ उसके माइंड में फीड करना है कि बेटा आपको ये चीज इस तरीके से करनी है। मान लीजिए आपके सामने कोई पर्सन आ जाता है, मेरे को इस कैरियर में एक डिसीजन लेना है, मुझे इस पैटर्न पे चलना है, तो आप उसका माइंड मैपिंग कैसे करेंगे, ये आपको इस क्लास में इन सारे टूल्स को यूज करते हुए किया जाएगा। माइंड मैपिंग कैसे करेंगे, यू विल बी यूजिंग ऑल द टूल्स गिवन अबाउट। इसकी माइंड मैपिंग इसके बेस पे करेंगे। इसी तरीके से अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हमने द चार्ट एज अ होल पढ़ रखा है, देन हमने पूरा चार्ट में क्या क्या होता है
हमने इसकी पूरी रीडिंग कर ली है। इस चार्ट में अब हम सब लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, मेकिंग ऑफ चार्ट, चार्ट बनता कैसे है, हाउसेस, उसके बाद साइंस, लॉर्ड्स, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, साइंस देखे हमने, उनके सारे प्लैनेट्स, लॉर्ड्स में प्लैनेट्स आ जाते हैं सारे, है ना। उसके बाद फिर हमने सारे वो देखे, कॉम्बिनेशंस देखे जो जनरल थे, जैसे रेट्रोग्रेड है, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, रेट्रोग्रेड होता है उसके बाद कंबस्ट हो जाता है, और भी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे केंद्र के, त्रिभुवन के, ये सारे कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद हमने इवेंट कॉम्बिनेशंस करे, हमने सारे इवेंट कॉम्बिनेशंस करे, हमने सारे इवेंट कॉम्बिनेशंस करने के बाद हमने दशा निकाली, और उसके बाद हमने ट्रांजिट निकाला। ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी हमने लास्ट में एज कैलकुलेशन निकाला, इस चीज की इयर्स की एंड मंथ्स की, इसमें हम डेज तक भी चले जाते हैं, लेकिन क्या इतनी हम बारीकी से कर पाते हैं या नहीं। फिर इसमें एक हमारा टॉपिक रह गया था प्रश्न, वो हमने प्रश्न किया शॉर्ट में। उसके बाद हमने सारे डिग्रीज लिए हैं, अब इन डिग्रीज से क्या होता है हम इतने डेप्थ में नहीं कर पाते हैं, डिग्रीज से बेसिकली हमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, मिल पाती हैं। अब इनको यूज करते हुए आपको अगेन माइंड मैपिंग करनी है, अपने क्लाइंट की माइंड मैपिंग करनी है इन सारी चीजों को यूज करते हुए। तो बेसिकली इस माइंड मैपिंग का जो कोर्स है वो है बेसिकली, मतलब आप ट्रेनर कैसे बन सकते हो, हाउ कैन यू बी एन एस्ट्रोलॉजर ट्रेनर या केमिस्ट्री ट्रेनर, वो आप इसके बेस पर कर पाएंगे। अब वो कैसे होगा मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी, मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी, आपको इस क्लास में ये डिस्कस करूंगी कि क्या क्या हो सकता है। आपको जब जब कोई बीच में क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे से आराम से बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं इस क्लास में। क्योंकि देखिये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं, अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग को डिटेल में पता होनी चाहिए, और हमें इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हम इस क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने मैम अभी इस ग्रुप में एक मैम ने बोला कि हमें क्या कहते हैं प्रोफेशन के इवेंट्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अब एक प्रोफेशन के इवेंट में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए हमारे सामने एक हाथ आया और एक चार्ट आया, हमें अगर हम सेम पर्सन का हैंड ले लें या हम एक सेम पर्सन का चार्ट ले लें तो हमें एक इवेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल प्रोफेशन। तो अब हमें क्या करना है, जब हम उसका हैंड रीड कर रहे हैं जब हम उसका एक चार्ट रीड कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास दोनों चीजें, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही टूल है, हमें दोनों को अलग अलग एनालाइज करना है, हमें दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है, क्या ये पर्सन जॉब में जा सकता है या ये पर्सन बिजनेस में जा सकता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये होना चाहिए, क्या ये जॉब के लिए सुटेबल है या ये बिजनेस के लिए सुटेबल है। अब ये हमारी माइंड मैपिंग चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रोफेशन की माइंड मैपिंग कर रहे हैं। जैसे क्लाइंट ने बोला मुझे प्रोफेशन के बारे में बताइए, दोनों चीजें एक ही पैटर्न पे चल रही है। जैसे क्लाइंट ने बोला कि मुझे प्रोफेशन की वो बताइए, प्रोफेशन के बारे में बताइए मेरे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसकी माइंड मैपिंग करनी चाहिए, हमें उसकी जॉब और बिजनेस देखना है कि क्या वो जॉब के लिए सुटेबल है या वो बिजनेस के लिए सुटेबल है। अब हो सकता है इसमें हमें उसका जॉब फेवरेबल लग रहा हो सकता है हमें उसका बिजनेस फेवरेबल लग रहा हो सकता है हमें दोनों चीजें ही उसकी कंपैटिबल लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमें केमिस्ट्री में जॉब देखनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसकी ग्रेड लाइन इज कनेक्टेड इन सम वे लाइफ लाइन, ठीक।
बेसिकली ग्रेट लाइन हमें जॉब देता है, ये हमें समझ आ गया। अब लेकिन क्योंकि उसकी किसी के अंडर काम करना है तो क्या उसकी ग्रेट लाइन किसी भी तरीके से लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट हो रही है क्या? यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि उसको जॉब के लिए कंपेटिबल है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा कि बिजनेस कर सकता है या हमें उसकी मंथली लाइन चेक करनी है। उसके हाथ में मंथली लाइन प्रेजेंट है। अब अगर हमें उसको फ्रेट लाइन और मंथली लाइन दोनों मिलती है तो बहुत हो जाता है ना। ये हो गई माइंड मैपिंग का पहला स्टेप, क्या मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। यहाँ पर इस पर्सन ने बोला कि आप मेरे प्रोफेशन के बारे में बताइए, तो आप उसको बोलेंगे कि देखिए मैं आपकी जॉब के लिए देख रहा हूँ, तो आपके फील्ड लाइन आपके हाथ में प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग है और आपकी लाइफ लाइन से कनेक्टेड है। पहला पॉइंट मैंने स्ट्राइक किया सीधा जॉब पे। तो मुझे जो मैपिंग बनानी थी, मैप बनाना था, उस मैप में मैंने पहली चीज ये बोली कि जॉब ऐसे बन सकती है और बिजनेस कैसे बन सकता है मंथली के लाइन के साथ होने से। अब वो पर्सन जॉब करना चाहेगा या बिजनेस करना चाहेगा या दोनों करना चाहेगा, बोथ, अब हमें ये भी देखना है। तो इसके लिए हमें उसकी फ्रंट लाइन प्लस सनलाइन तो देखना ही है। तो क्योंकि स्टेटस प्लस मनी आएगा, यहाँ पर स्टेटस भी आ रहा है और मनी भी आ रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट फैक्टर ये आ जाता है कि क्या ये पर्सन एक रिस्क टेकर है? Is he a risk taker? अब आपको जब तक ये चीज नहीं पता होगी कि क्या वो एक रिस्क टेकर है, आप उसका लाइफ का कोई भी एंगल डिसाइड नहीं कर सकते। अब रिस्क टेकर हम इस चीज से देखेंगे। सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है और चलाकी होती है और विजडम होती है। उनको इस इंटेलिजेंस से वो क्रिमिनल भी बन सकता है, उस इंटेलिजेंस से वो एक प्रोफेशनल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गली बन सकता है। तो मैं आपको हर टॉपिक पे इसी पैटर्न पे आपको एक एक स्टेप देखती जाऊंगी कि आपने ये देखना है। वो क्या वो रिस्क टेकर बन सकता है, उसकी मर्करी का माउंट एंड फिंगर ये डिसाइड कर देगा कि वो एक रिस्क टेकर है। तो अगर एक रिस्क टेकर होगा और उसकी तीसरी चीज उसकी लाइफ लाइन प्लस फ्रेट लाइन कनेक्टेड, और हेडलाइन इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो मैंने फेट लाइन और लाइफ लाइन कनेक्टेड लिखी है, ये वो फेट लाइन होती है जो हमारी लाइफ लाइन के वो लाइफ लाइन के अंदर जुड़ी होती है। इस लाइफ लाइन को पूरी यहाँ से यहाँ तक इसको सपोर्ट दे रही होती है। तो हेडलाइन स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट, यहाँ से आपको क्या पता चला कि वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। आपके पास एक रेडी रखना तैयार हो जाएगा कि मुझे उसका जॉब देखना है, मुझे उसका बिजनेस देखना है, मुझे देखना है कि वो दोनों काम कर सकता है, क्या वो स्टेटस कमा सकता है, क्या वो पैसे कमा सकता है, क्या वो एक रिस्क ले सकता है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि वो ऐसा काम कर सके, या वो आधे रास्ते में ही डर जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक आंसर मिल गया कि हाँ जी वो ये सब काम कर सकता है। तो मैंने उसके इस पैटर्न पर ये डिसाइड कर लिया कि अब ये पर्सन को मैं एडवाइस कर दूं कि वो इस चीज को आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए और कैसे बढ़ाए। अब वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको क्लैरिटी आ गई कि ठीक है नहीं मेरे लिए जॉब सूटेबल है, या किसी के अंडर काम करना सूटेबल है, या किसी के साथ मिलकर काम करना सूटेबल है, या किसी के साथ अलग के काम करना सूटेबल है। पहला आंसर उसको यहाँ से मिला। क्यों? क्योंकि उसकी हेडलाइन स्ट्रांग होगी तो किसी के नीचे दबके काम करेगा नहीं, किसी से सपोर्ट नहीं लेगा, कहेगा मैं तो अपने आप ही कर लेता हूँ, मैं किसी का हेल्प क्यों लूँ, मैं किसी के अंडर नीचे किसी के अंडर काम क्यों करूँ। चाहे उसकी लाइफ लाइन जो भी रही हो तब भी वो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा कि वो ठीक है फैमिली की सपोर्ट लेता रहेगा, लेकिन अदरवाइज वो अपना इंडिपेंडेंट होगा, स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा। तो यहाँ से उसको इस चीज का आंसर मिल गया। तो वो पूछेगा मेरी लाइफ में मनी कितनी है,
वो पूछे या नहीं पूछे, हमारे पास फटाफट रेडी जवाब होने चाहिए। मेरे पास मनी कितना है, मनी कहाँ से आएगा उसके हाथ में। सबसे पहले हमने फिंगर टिप्स की बात करी थी, अभी आपको वैसे पता है लेकिन इस टाइम याद नहीं आएगी क्योंकि वो इतने सारे सवाल एक साथ पूछता जा रहा है। तो जब आपने अपने पास एक रेडी टेबल बना रखी होगी तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। फिंगर टिप्स देखने से क्या पता लगता है हमें, कलर, उसके फिंगर टिप्स की कलर कैसा है वो हमें क्या डिसाइड करेगा, उसकी लेवल ऑफ, उसका थॉट लेवल, इस चीज का थॉट लेवल, वो किस लेवल पर पैसे कमाना चाहता है। क्या वो थाउजेंड्स में सोच रहा है, क्या वो हंड्रेड्स में सोच रहा है, क्या वो लैक्स में सोच रहा है, क्या वो करोड़ में सोच रहा है, क्या वो अनलिमिटेड सोच रहा है, वो किस लेवल पर सोच रहा है। साथ में कलर ऑफ हैंड भी उसका उस टाइम का डिसाइड करेगा। अब देखिए एक और नई चीज निकल कर आती है इसमें कि जब मनी की बात आती है तो हम लोग यहाँ से जब हम मनी को चेक करते हैं तो हमने देखा कि वो पैसे को रोक पाएगा या वो पैसे को खर्च कर पाएगा। उस दिन आप लोग को क्लास में जैसे बता रही थी कि जब हम ऐसे देखते हैं, पुराने लोग बोलते थे कि जब यहाँ छेद होते हैं तो ऐसे लोगों के पास पैसे नहीं दिखते, तो मैंने इसके ऊपर बहुत ढूंढा। मैंने कहा ऐसा ये लोग, ये मिथ बना ही क्यों, जैसे ऐसे हाथ करो और अगर यहाँ पर गड्ढे आ रहे हैं तो आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते, इसका रीजन क्या है, तो पैसे क्यों नहीं टिकते। अरे ठीक है खर्च कर रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हम सारे खर्च कर रहे हैं। हमारे हाथ में पैसे क्यों नहीं टिक रहे, क्योंकि बेंड फिंगर्स हमें क्या देते हैं, जब भी कोई उंगली टेढ़ी टेढ़ी होती है तो क्या देती है हमें, बीमारी। बीमारी तो हमारे पैसे किस पे खर्च हो जाएंगे, बीमारी पे, हेल्थ पे। और जितनी स्ट्रेट फिंगर्स होंगी उसके तीन लेवल्स टॉप मोस्ट हो गए, क्या चीज, थॉट, एक्शन, रिजल्ट। अब क्या ये बंदा ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा या ये वाला, जब ये फिंगर्स यहाँ से टेढ़ी हुई तो वो पैसे उसके नुकसान में चले गए। चाहे उसको हो सकता है आज मेरी मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, आज मेरे बॉडी में पेन है, बॉडी एक है इसलिए मैं काम पे नहीं जा रहा, वो उसकी बेंड फिंगर्स करवा रही है। और उसकी जब वो स्ट्रेट फिंगर्स होती है तो वो अपने फ्री विल पे नहीं चलता, वो हर कंडीशन में इतना एक्टिव होता है कि वो जो मर्जी काम करना चाहे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, क्या मैं वो फैक्ट्री लगा लूं, उसकी ये फिंगर्स डिसाइड कर देंगी हाँ वो फैक्ट्री लगा सकता है या नहीं लगा सकता। आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मतलब क्वालिटी ऑफ फिंगर्स ने बहुत बड़ी चीज बताई आपको कि यस ये पर्सन इस टाइप के काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो मिलियनर बन सकता है, वो बिलियनर बन सकता है, वो किस लेवल तक जा सकता है, उसके थॉट्स किस टाइप के हैं, क्यों, इसलिए वो कितने उसके अंदर गट्स है किसी भी चीज को करने के। इस टाइप से एक एक स्टेप आप हर चीज को डिवाइड करते जाओ, आप उसके बाद फिर वो आएगा कौन सा प्रोफेशन, चॉइस ऑफ प्रोफेशन। That would be his choice of profession. अब वो पूछेगा मुझे कौन सा profession करना है। अब मान लीजिए इसमें आपको best mount देखना है उसका। अब best mount कैसे देखोगे आप? जब आपको उसका best mount देखना है तो पूरा हाथ यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए इस पूरे हाथ में कुछ 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 अलग 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 divided हुए पड़े हैं, लेकिन अब हम जैसे जैसे हम उनको एक दो तीन चार पांच order wise सारे करते जाएंगे, हमें एक एक स्टेप हमें पता याद होना चाहिए यहाँ पर क्लिक कर जाए यस ये। तो बेस्ट माउंट का मतलब यहाँ पर हो गया बिगेस्ट माउंट, कौन सा माउंट सबसे बिगेस्ट होगा उसको नंबर वन पे आपने रखा। अब आपने उसको एनालाइज किया, तो आपने उसको एनालाइज किया उसमें आपको देखना है कि साइंस कौन से फॉर्म हो रहे हैं उसपे,
सिंबल्स क्या बन रहे हैं, डेवलपमेंट कितनी है उसकी, कलर कैसा है उसका और क्लैरिटी कैसी है उसका। जोन सा अमाउंट सबसे बड़ा होगा और ये सारे चीजें पॉजिटिव होंगी तो आप यस बोलोगे, नहीं तो नो। चेक नेक्स्ट। सेकंड नंबर पे कौन सा पड़ा है, फिर आप उसके बेस पे उसके ऊपर कौन से साइंस फॉर्म हो रहे हैं, कौन से सिंबल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, ये आप। तो इस तरीके से आपने एक माइंड मैपिंग करी सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जॉब में जाऊं, क्या मैं उसमें जाऊं, क्या मैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ूं, क्या मैं क्या कैसे काम करूं। तो जब वो इस तरीके से आप इसकी माइंड मैपिंग कर दोगे तो आपको अपने क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसका होगा, टुडे अब वो आपके पास रुका हुआ है, मेरे पास आज आपकी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, अब वो कितना सच बोल रहा है, वो कितना झूठ बोल रहा है, ये हमें अभी का अभी पता लग जाएगा। वो तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा था, अभी तो मैं सॉल्व गई। अब हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मनी आज टुडे आई एम इन लॉस, अब आप जो ये चीज कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो आज लॉस में है या नहीं। मैम कलर ऑफ हैंड से, कलर ऑफ हैंड से एक तो ये तो हो गया बेसिक सी चीज, एक बेसिक पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट टॉप ना जो आप उसके फेट लाइन पर, फेट लाइन पर ब्रेक दिख रहा है हमें अभी, क्या मान लीजिए उसकी फेट लाइन चल रही है लेकिन यहाँ पर हमें छोटा सा ब्रेक दिख रहा है, तो क्या हम और यहाँ पर हमें डायमंड दिख रहा है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे वो मत लॉस ऑफ मनी हो आज जी। यस, तो वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी लाइन टूट चुकी है और एक नई लाइन अलग से शुरू हुई है, जो शुरू हुई है उसके ऊपर डायमंड है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस आ गई है ऐसे करके, लेकिन ये ऊपर डायमंड है, क्या अभी वो 100% मनी लॉस में है, टेंपरेरी है, इट वाज परमानेंट। यस, उसकी हो सकता है नौकरी चली गई, उसकी सेविंग्स खत्म हो गई है, उसका बिजनेस बंद हो गया है, कुछ भी हो सकता है, और एक नई शुरुआत होनी है जो बहुत अच्छी है, इसमें सेम चलता रहेगा लेकिन ये टेंपरेरी है और ये इतने टाइम तक चलता रहेगा। जब आप ये चीज 8 या 10 कुंडलियों पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगी, फिर आप उसके प्रोफेशन का, किसी भी टाइप का प्रोफेशन, आप उसके प्रोफेशन के आंसर्स दे पाओगे, क्योंकि आपके पास ये रेडी रखना होना चाहिए जो आपको इस चीज में हेल्प कर दे कि यस देखो हाँ ये चीजें हैं। ये बहुत, अभी तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, अगर मैं इसको भी रब करके आपको बना के दिखाऊंगी तो मैं आपको एक और माइंड मैपिंग दिखाऊंगी कि माइंड मैपिंग होता क्या है और माइंड मैपिंग से हम क्या क्या देख सकते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है। इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगी, मैं वो वाला भी ड्रॉप करके आपको दिखाऊंगी इस प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको समझ आएगा कि यस माइंड मैपिंग करने से मेरे पास एक रेडी रखने तैयार हो जाता है जो मुझे इन इन क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। ये सिर्फ प्रोफेशन से लिंक है, कर लोगे आर्टिस्ट हाथों के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप, और फिर जब हर जो चल, हमने टारगेट 50 होरोस्कोप्स मिनिमम का रखा है, हम 50 होरोस्कोप्स पे जॉब अलग अलग लोगों की देखेंगे, और जब हम ये बार 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 रिपीट करेंगे तो अब हमें समझ आएगा कि अरे हाँ ये तो एक्चुअली ऐसा वर्क कर रहा है, नहीं इस रिस्पेक्टर ने ये काम करा, नहीं इसने ये काम किया, इस तरीके से हम इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। तो ये पैटर्न पामिस्ट्री का है जो हम पामिस्ट्री में करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस पैटर्न के बेस पर एक आंसर मिलेगा। अब मैं इसको अगर दूसरे फॉर्म में शेप करके दिखाऊं अभी, या पहले एक चार्ट पे लगा के दिखाऊं जैसे आप लोग,
अगर हम किसी हैंड पे लगा के देखते हैं तो ये हमें क्या देता है? देखिए, अब हम इस पर्सन को नहीं जानते, ठीक है। दिस पर्सन मस्ट बी अप्रोक्सीमेट, अगर मैं इनका चार्ट देखूं तो इनकी ईयर ऑफ बर्थ है 62, तो 62 के हिसाब से कितने साल के हो गए? 61 के हो गए हैं। तो 61 के मतलब यहाँ पर इस एज में यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं, राइट। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ यहाँ से शुरू करी होगी, जीरो ईयर से। अब हमने सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने हमारे सामने रखा, मान लो ये इस एज में है अभी, किसी भी एज में, 24 में, 25 में, 30 में, किसी भी एज में है, और इन्होंने हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन रखा कि क्या मैं एक जॉब में जाऊं या मैं एक बिजनेस में जाऊं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इनकी फेट लाइन बहुत अच्छी है? मैम क्लीन तो है एरिया, लेकिन फेट लाइन बहुत अच्छी नहीं है। Yes, आपको पहला आंसर मिला कि एरिया क्लीन है लेकिन लाइन अच्छी नहीं है, ठीक है। और मर्करी लाइन, मर्करी लाइन मैम इसमें दिख नहीं रही, ये टूटी फूटी सी है, इतनी खराब सा है, और लाइन प्रॉपर नजर नहीं आ रही। क्या ये जॉब के लिए बने हैं या ये बिजनेस के लिए बने हैं? जॉब के लिए। ये किस चीज के लिए बने हैं? जॉब के लिए। ये बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकी लाइन में क्लैरिटी नहीं नजर आ रही कहीं पर भी, बिल्कुल भी। देखो, ना जॉब की क्लैरिटी है ना बिजनेस की। क्या ये किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं? इनकी फेट लाइन देखो जुड़ी हुई है क्या? फेट लाइन से मैम? लाइफ लाइन से नहीं। तो ये किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं? नहीं। अब इनको ये समझ आ गया कि ना मैं बिजनेस कर सकता हूँ ना मैं नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन ये किसी के नीचे नौकरी भी नहीं करेंगे। लेकिन मैम है तो स्ट्रॉन्ग हेडेड, हेडलाइन बहुत अच्छी है। अब आपको नेक्स्ट चीज समझ आ गई कि क्या ये इनकी जो लाइफ लाइन और ये फेट लाइन जुड़ी हुई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। हम इनको जो मर्जी समझाएं, अपनी मर्जी करेंगे तो ये अपने हिसाब से ही, ना इनकी फेट लाइन अच्छी है ना इनकी वर्करी लाइन अच्छी है। लेकिन यहाँ अगर ये वाली लाइन देखें तो क्या इसमें फेट लाइन जुड़ी हुई है? बहुत जबरदस्त। हाँ। और अगर इनकी हेडलाइन देखें, इंडिपेंडेंट भी हो गई और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये क्या ये रिस्क टेकर है? जी। क्या ये स्ट्रॉन्ग हेडेड है? जी। क्या ये इंडिपेंडेंट चलने वाले हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट। और अब आ जाते हैं मनी पे, क्या इनके पास पैसे होंगे? हाँ मैम, क्योंकि टिप्स रेड हैं। बिल्कुल क्लीन टिप्स और शाइनिंग काफी अच्छी है टिप्स पे। टाइम भी काफी बड़ा अच्छा है। देखो ये कितने, ये हजारों लाखों करोड़ों में किसमें खेलते होंगे? मैम लाखों वाले हैं। क्यों? क्या ये पिंकिश है या रेडिश की तरफ जा रहा है? रेडिश की तरफ जा रहा है। रेडिश वाला तो करोड़ों में पहुंच जाता है मैम। अच्छा, ये रेडिश वाले किसमें पहुंच गए? करोड़ों में पहुंच गए। लेकिन क्या इनकी फिंगर सीधी हैं? मैम बेंड हैं, सारी बेंड हैं। सारी बेंड है, लेकिन कौन से में गैप नहीं आ रहा? मैम मनी सेविंग में। अगर हम जुपिटर देखें तो जुपिटर वाले में यहाँ पर कहीं गैप आ रहा है? नहीं। और और ये खर्चा ही नहीं करते हो ना? ये खर्चा भी करते होंगे, मनी सेविंग अच्छी है इनकी। और इनकी मरकरी की फिंगर देखो अलग से एक साइड पे जा रही है या नहीं जा रही? बेंड हुई है, बेंड है, ऊपर से बेंड है, ऊपर से बेंड है। लेकिन क्या देखा नहीं है? प्लीज कर दीजिए प्लीज, जिसने भी जो भी बात कर रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने
इनकी देखो ये वाली फिंगर इससे वैसे जुड़ बुड़ी हुई है लेकिन क्या ये बाहर की तरफ निकल रही है? हाँ जी मैम बाहर है। तो क्या ये बहुत सारे काम उल्टे पुल्टे बाहर की साइड निकल के करते होंगे? जी करते होंगे ना। अभी तो हम माउंट्स पे नहीं आए, अभी हम और चीजों पर नहीं आए, अभी हमने सिर्फ एक बेसिक ये लिया कि इसमें हमें ये चीज समझ आई कि हाँ ये पर्सन इस हद तक किसी भी लेवल तक किसी भी एक्सटेंट तक कुछ भी कर सकता है। ये इसका माइंड मैपिंग हो रहा है, उनको हम नहीं जानते हैं। क्या ये गलत काम कर सकते हैं? मैम लगता तो नहीं है क्योंकि जुपिटर अच्छा है इनका। ना जुपिटर अच्छा है लेकिन क्या जुपिटर पे कोई जो रिजल्ट वाला एरिया है उस पे क्या आ रहा है? हाँ डॉट है, दो डॉट है। ये गलत काम करेंगे या इनके प्रॉफिट चले जाएंगे? इनके प्रॉफिट चले जाएंगे। प्रॉफिट्स चले जाएंगे। जहाँ पर इनका जुपिटर और सैटर्न मिक्स हो रहा है वहां पर क्या बन रहा है? वहां पे मैम डायमंड है, शायद डायमंड है लेकिन वहां का कलर कैसा है? ब्लैकिश हो गया है। ब्लैकिश हो रहा है तो इनकी जुपिटर फिंगर नीचे रिजल्ट एरिया में कैसी हो गई? अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है। रिजल्ट वाला एरिया यहाँ से भी खराब हुआ, यहाँ से भी खराब हुआ, यहाँ से भी खराब हो गया। अब क्योंकि जुपिटर किस किस चीज को वो करता है रिप्रेजेंट, हम ये सब चीजें फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके। अभी हम यहाँ कोरिलेट करते जाएंगे। अभी आप स्टेप बाय स्टेप कोरिलेट कर रहे हो। हमने बेंट फिंगर्स देख ली, स्ट्रेट फिंगर्स ले ली, इनका थॉट एक्शन रिजल्ट का लेवल हमने देख लिया। अगर ये इतना खराब होगा तब भी क्या ये इंडिपेंडेंट बिजनेस करेंगे? यस। क्या ये फैक्ट्री लगा लेंगे? यस। ये सब कुछ कर लेंगे, अपना खुद का अपना प्रोफेशन करेंगे लेकिन यहाँ पर लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे इनको, प्रॉफिट नहीं मिलेगा उतना। देखो मैम यहाँ से बहुत जबरदस्त पैसे दिख रहे हैं इनके हाथ में लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? देखो ये खराब हो गया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर तो ये ब्लैकिश हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो नजर आई गई ना। अगर हम इसमें देखें तो क्या इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस है? मैम बीच वाले हिस्से में है थोड़ा सा ब्लैकिश, थोड़ा सा यहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा हो रहा है लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो इस प्रोफेशन से है। प्रोफेशन में ये फिंगर का ये पोर्शन काम कर रहा है, ये पोर्शन काम कर रहा है और ये पोर्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। ये तीन चीजें यहाँ पर काम कर रही है इनके लाइफ में, तो ये तीनों चीजें इनको क्या करेंगी? जुपिटर कौन कौन होता है मतलब मैम? जुपिटर किस किस चीज को इंडिकेट करता है? मैनेजमेंट, नॉलेज, नॉलेज, विजडम, विजडम। अब इनकी विजडम अच्छी होगी मैम? जुपिटर तो अच्छा है तो विजडम तो अच्छी होनी चाहिए। यस, बहुत अच्छी होगी लेकिन बस ये है कि उसके उससे जुड़ा कोई काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट नहीं होगा। नॉलेज, नॉलेज भी अच्छी होगी इनकी। लाइफ इतने शरीफ पापा मिलेंगे कहीं पे? फैमिली लाइफ मैम? फैमिली लाइफ भी अच्छी है, रिंग्स बने हुए हैं। नहीं अभी हम सिर्फ इसी फिंगर पे देख रहे हैं क्योंकि ये देखो ये चीज क्या क्या देता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको बहुत हैरानी होगी देखकर कि ये वाली फिंगर हमें बस हमारी फैमिली का पारिवारिक सुख देता है। तो इनकी पारिवारिक सुख यहाँ पर हमें नजर आता है इस फिंगर से, ठीक है, क्योंकि इनका इनकी सोच अच्छी है, एक्शन भी अच्छा है, रिजल्ट में खराबी आ रही है। अब मनी से रिलेटेड यहाँ पर किस कौन खराब कर सकता है इनका? इनकी अपनी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट दिमाग से भी आती है तो क्या इनका दिमाग खराब है? दिमाग में मैम या तो इनकी लेबर से इनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लेबर वाला जो हिस्सा है वो भी खराब हो रहा है। खराब हो रहा है इनको लेबर से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर क्योंकि ये यहाँ से अगर हम आए तो ये जो ये बनता है ये किसके लिए बनता है? हार्ट लाइन का ये पोर्शन ये मैम वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए।
और उसके लिए इनके पूरे पैसों का कंट्रोल इनके स्पाउस के हाथ में है. अब देखो ये हम नहीं सोच सकते, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट याद करना है कि हमने देखा ये खराब हुआ है, ये खराब हुआ और ये खराब हुआ. तो हम इनको ये बोलेंगे कि देखो आप जो मर्जी बिजनेस कर लो, आपके बिजनेस में लॉस आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी काम में सूट नहीं करता, नॉलेज से रिलेटेड काम में सूट नहीं करता. आप कहीं पर गलत डिसीजंस भी ले लोगे, आपके पास मनी की फुल प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी आपके हाथ में, और आपको लेबर के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, और आपकी स्पाउस के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए. बस इतना बोलने की देर है, आपको काम नहीं करना. तो आशा मैम ने वो एक्यूरेट पॉइंट पकड़ लिया. मैम आपकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त हो गई है, मैम लोगों का भला करो. ये सिर्फ ये इस चीज को लेकर रोते हुए आए थे कि कोई तरीका बता दो मुझे कि मैं मनी अपने हाथ में रख सकूं. समझे? देखो अदरवाइज आप देखोगे तो पूरा हाथ क्लीन है मैम, बहुत अच्छा हाथ क्लीन है और इतना वेल ऑफ है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है. लेकिन अगर इस चीज से देखो तो हमें एक आंसर मिला. इस तरीके से हम एक एक चीज को कनेक्ट करेंगे. एक पैटर्न हमारा ये होगा, जैसे हमने ये लिखा और ये माइंड मैपिंग पूरी करी, और दूसरा पैटर्न हमारा होगा जिसमें हम इसको इस तरीके से बना सकते. अगर आप चाहोगे मैं पैटर्न से आप लोग को करा दूंगी, और फिर हम इसको जैसे तो मैं एक हाथ पे एग्जांपल लिया, अगर आप 50 अलग अलग हॉरोस्कोप्स देख लोगे, हैंड्स देख लोगे कि किसी के हाथ में क्या क्या हो सकता है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी. ठीक है, जो मैंने बनाया है वो बेसिकली मैंने ये बनाया, मैंने इस तरीके से एक पैटर्न बनाया, एक लेआउट बनाया, तो मैंने ये सारी चीजें जोड़ी. जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना स्कूल में कि हम अपने माइंड को सिखा रहे हैं बेसिकली कि हमारे को ये करना है तो हमें ये चीज मिलेगी, हमें ये करना है तो हमें ये चीज मिलेगी. ये हम प्रोफेशन के लिए बना रहे, एक मैप बन गया हमारे हाथ में. सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है अभी, अभी हम कोई और चीज नहीं लेंगे. ठीक है ना, अभी हम सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि अगर प्रोफेशन की बात करें तो हम इस पैटर्न पे इसको चला सकते हैं. देखो इसमें सारी चीजें आ गई इसी पैटर्न को, हम इसको इसका जो नेक्स्ट वो होगा कि कलर हमें क्या देगा,
अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम हाथ देख रहे हैं, मान लीजिए हम ये हैंड एज अ होल देख रहे हैं, तो हम पूरा हाथ की जो हम इमेज फील देखते हैं, इस फील से हमें क्या पता लग जाता है उस पर्सन की थॉट कैसी है, किस लेवल पर सोच सकता है ना उसकी। जैसे हमने उसका हाथ देखा, हमें मतलब गुड या बैड फील आती है, गुड या बैड फील आती है। अब इसको बताते हैं, अभी मैं अक्सर ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन ये जब मैं इसको लिखूंगी तो मैं ये सोचूंगी, मान लो अगर हम एक किसी मोदी जी का हाथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर गुड और बैड फील हमें क्या आ रही है, क्या ये अच्छे नेता बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वो उस लेवल पर सोच भी सकते हैं कि मेरे को ऐसा करना है, क्या उनका वो लेवल है या नहीं। फिर ये कलर उनको कितना बिग सोचने पे हेल्प करेगा, उनका थॉट किस लेवल तक जा सकता है, यह हमें उस चीज में हेल्प कर देगा। फिर उसके बाद फिर अगर हम उनके माउंट्स देखेंगे तो उनकी आज का एक्शन प्लान पता लग जाएगा आपको, उस पर्सन का एक्शन प्लान क्या हो सकता है, कि नेक्स्ट लेवल पर वो किस एक्शन प्लान पर काम कर सकते हैं। फिर उनके फिंगर्स की क्वालिटी उनके रिस्क टेकिंग बता देगा, कि वो किस कितना रिस्क टेकर है, क्योंकि जितनी अच्छी रिस्क होंगी उतना हेल्दी होंगे वो, ठीक है। उनके बाद इनर स्ट्रेंथ, उनके अंदर कितनी पावर है, उनकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, उनके साइंस क्या बताएंगे, प्रॉब्लम्स, उनकी प्रोग्रेस, एलिमेंट्स क्या बताएंगे, उनका नेचर, वो किस नेचर पे सोच रहे हैं, किस लेवल पर उस काम को सोच रहे हैं, ठीक है। उनका स्किन का टेक्सचर क्या बताएगा, उनके कंफर्ट वर्क, तो दौड़ने पड़ेंगे किसी काम को करने के लिए क्या, या वो आराम से कर पाएंगे, वो किस वर्क के लिए बने हैं, किस उस काम के लिए बने हैं, उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उनका थंब उनकी पर्सनालिटी है, लोग उनको कैसे देखेंगे, उनको किस एंगल से देखेंगे, एलिमेंट्स उनका नेचर, क्वालिटी ऑफ काम क्या करेगा, यहाँ पर कुछ देगा उनको, और ये उनका फाइनल रिजल्ट होगा। इसमें उनको नेम स्टेटस मिलेगा या उनको फेलियर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर राहुल गांधी की कुंडली को एनालाइज कर लें, मोदी जी की कुंडली को एनालाइज कर लें, उनके हाथ को कुंडली कर लें, उनके हैंड को एनालाइज कर लें, और यहाँ पर अगर हम उसकी जो आजकल क्या नाम है उसका, तो बहुत फेमस हो रहे हैं, नाम ही भूल जाती हूँ, योगी जी, हाँ योगी जी को, अगर हम योगी जी को ले लें, मोदी जी को लिया हमने, योगी जी का हैंड लिया और हमने राहुल गांधी जी का हैंड लिया, तो हमें तीनों में क्या फर्क पता लगेगा, उनका पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या लेवल है, उनमें से कौन पॉलिटिक्स के लिए बना है, कौन नहीं बना है, और किस लेवल तक वो जा सही जाएगा, इससे हमें ये समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे हेल्थ का वो बनाना हो, चाहे एजुकेशन का बनाना हो, या किसी भी चीज का बनाओ बनाना हो, तो ये बना सकते हैं। ये तो हो गया मैपिंग, जो मैं आप लोग को हर टॉपिक का इंडिविजुअल करा के मैक्सिमम हैंड्स के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगी। इसके अलावा बीच में जैसे हमारे पास टाइम होगा तो हम छोटे छोटे टॉपिक को भी पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, बहुत छोटा सा, जैसे मान लीजिए हम स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं अक्सर, ठीक है। अब हम कई बार एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रोलॉजी में तीन गण होते हैं, जब हम कुंडली में लान करते हैं किसी की, तो उसमें तीन गण होते हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवता गण, ठीक है। जो राक्षस गण, जो देवता गण होते हैं वो सात्विक होते हैं, जो मनुष्य गण होते हैं वो राजसिक होते हैं, और जो देव होते हैं क्या कहते हैं, जो राक्षस गण होते हैं वो क्या कहते हैं, तामसिक होते हैं। तो हम तीन देवता गण, मनुष्य गण और ये राक्षस गण,
मान लीजिए हमारे पास किसी की कुंडली नहीं है, अब हमें किसी के हाथ से देखना है कि वो कैसा इंसान है, तो हम कैसे देख लेंगे? अगर हमें हमारे पास कुंडली नहीं है और हमें किसी के हाथ से देखना है कि वो कैसा इंसान है, तो हम कैसे देख लेंगे? तो मान लीजिए हमें हाथ आता है ऐसे, ये हाथ हमारे सामने आया, ठीक है। अब हमने इसमें तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है अगर हमने, तो हमें इसमें तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले हमें शेप ऑफ द हैंड देखना है, दूसरी चीज हमें शेप ऑफ द फिंगर्स देखना है, तीसरी चीज हमें इसमें वो लेनी है, क्या कहते हैं, लाइंस। अब ये तीन चीजों को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उन तीन चीजों को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें कैसे देखनी है, एक हाथ है हमारे सामने और ये तीनों चीजें हमने देखनी है। जब हम शेप ऑफ द हैंड की बात करते हैं तो ये हमारा हाथ है, इस हाथ में, इस हाथ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसका हम डिवीजन कर देते हैं थ्री पार्ट्स। आपको पहला डिवीजन लेना है जुपिटर फिंगर से, आपको दूसरा डिवीजन लेना है यहाँ के थंब से, और तीसरा डिवीजन लेना है नीचे से। तो हम तीन डिवीजन को लेते हैं, ये हमारा सात्विक हो गया, ये हमारा राजसिक हो गया, और नीचे का हमारा तामसिक हो गया। ठीक, तो इन तीनों को मेजर करना है। ये इतना था, उसके कंपैरेटिव छोटा था, और ये उसके कंपैरेटिव भी ऑलमोस्ट बराबर था। तो यहाँ पर सात्विक तामसिक आया इस चीज में शेप ऑफ द हैंड, यही लिख देती हूँ, सात्विक प्लस तामसिक, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आई। अब मैंने देखो ये लाइन ड्रॉ करी है, मेरी ये वाली जो लाइन है ये मेरी सात्विक हार्ट लाइन, क्योंकि ये मुझे इमोशंस देती है, एक फीलिंग्स देती है, मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर है, कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है किसी के लिए, वो मैं इससे देखूंगी, ये मेरी सात्विक होंगी। उसके बाद जो ये राजसिक होगी, क्योंकि दिमाग है, दिमाग हमेशा पैसे के लिए चलता है, तो ये मेरी राजसिक होगी, और ये मेरी जीवन है, यहाँ से राहु शुरू होता है, यहाँ केतु खत्म होता है, तो राहु हमेशा हम दुनियादारी में लेकर आता है, तो ये मेरी तामसिक है। अब आपको सबसे अच्छी और क्लीन लाइन इस समय किस कौन सी मिली? अगर आप इसी हैंड में आप देख रहे हो, तो आपको सबसे इस लाइन पे डबल डबलिंग हो रही है, ये थोड़ी छोटी है, ये सबसे लंबी है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर डायमंड बन गया तो ये और भी अच्छी हो गई, है ना। तो सब सात्विक वाली सबसे अच्छी लगी, तो आपको सबसे पहले किसको फॉलो देनी है फिंगर्स, सॉरी लाइंस में सात्विक। और जब आप फिंगर्स की शेप देखोगे तो जो फिंगर्स की शेप होती है, सबसे टॉप वाली सात्विक होती है, बीच वाली राजसिक होती है, नीचे वाली तामसिक होती है। मैं सात्विक सोच रख रहा हूँ और मैं अच्छी अच्छा सोच के काम करूंगा, मैं राजसिक ठाट के साथ काम करूंगा, और मेरे अंदर एक लालच होगा कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो मेरा जो सा एरिया सबसे नीट एंड क्लीन होगा, मैं उस एरिया में सबसे ज्यादा काम करूंगा। जैसे अभी हमने जो हाथ देखा था उसमें ये वाला एरिया सबसे क्लीन था, तो उनकी लाइन शेप ऑफ द फिंगर्स में भी नंबर वन में सात्विक आया, ठीक है ना, प्लस तामसिक आया था उनका।
तो अगर हम कॉमन देखें तो तीनों में क्या चीज कॉमन आई है? सात्विक। सात्विक तो अगर सात्विक है वो कौन से गण के होंगे? देवता गण। देवता गण के होंगे। अगर आप कुंडली में मिलाओगे और रात में मिलाओगे तो आपको ये चीज कॉमन मिल जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा उनकी कुंडली भी ठीक है। या अगर आप हाथ से कुंडली मिलान कर रहे हो तो आप देवतागण मनुष्य का राक्षस गण का फर्क कर पाओगे। इसके अलावा क्योंकि ये हाथ है, ये हाथ की शेप तो नहीं बदल सकती, लेकिन ये माउंट्स का उठना बैठना बदल सकता है। तो मेरा मान लो ये एरिया नॉर्मल हो गया और मेरा नेपच्यून बढ़ गया तो क्या मैं सात्विक की तरफ चली जाऊंगी? यस जी। ये दब गया तो क्या मेरा राजसिक खराब हो जाएगा? यस। उठ गया तो मैं इसकी तरफ ज्यादा चलूंगी, मतलब पोर्शन उठ गया तो मैं सात्विक की तरफ ज्यादा चली जाऊंगी, ठीक है ना। ये फिक्स भी है। फिंगर्स का कलर चेंज हो सकता है, फिंगर्स की शेप हम अपने कर्मों से खराब कर सकते हैं। मान लो मैं अपनी बोन्स की केयर नहीं कर रही, मैं पेप्सी पिए जा रही हूँ तो मेरी बोन्स खराब होनी शुरू हो जाएंगी, तो मेरी उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी, तो क्या वो स्ट्रेट, क्या वो सात्विक रहेंगी? नहीं, ये कलर खराब हो जाएगा। तो मुझे राजसिक सुख मिलेंगे? नहीं। क्या मेरा तामसिक की तरफ बढ़ गई हूँ? यस। तो ये जितना फूला होगा उतना तामसिक की तरफ बढ़े हुए हैं, जितना ये फूला हुआ है उतने ही ठहराव के अंदर है कि किसी को कुछ नहीं कहते हैं, क्या हमारे अंदर सात्विक गुण ज्यादा है। इसका कलर जितना सुंदर होगा हम उतने ही शांत हैं और हम उतने ही अपने सोच पॉजिटिव रख पा रहे हैं, तो ये हमारा सात्विक क्वालिटीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो नए नए चीजें हम सोच के निकाल पाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे ये मैं अपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाती, एक आदमी का गण देखना हो कि किस टाइप का गण होता है उसके हाथ में, तो यहाँ पे हमें समझ आया कि पर्सन सात्विक गुण का है, इसीलिए इसको तामसिक और राजसिक ठाट नहीं मिले हुए। ना इसकी वेट लाइन इतनी अच्छी है, ना उसकी मर्करी लाइन इतनी अच्छी है, ना उसके पास पैसा है। उसकी सारी फिंगर्स का कलर अच्छा था, उसका हैंड का शेप अच्छा था, वो सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो देवता गण के लिए बना है, वो दूसरों को देने के लिए बना है, वो अपने लिए कमाने के लिए नहीं बना। वो जितना मर्जी कमाएगा या जो मर्जी होगा उसको, उसकी हेडलाइन इतनी अच्छी है तो हेडलाइन क्या दे रही थी? राजसिक ठाट, फुल ठाट से रहता है, ठीक है, राजसिक ठाट मिल रहे हैं क्योंकि हेडलाइन यहाँ पर राजसिक ठाट है। लाइफलाइन तामसिक है, तामसिक दुनिया में रह रहा है लेकिन अंदर से वो सात्विक है। जो वो पूजा पाठ करते हैं आप विश्वास नहीं करते, और जितने राजसिक ठाट से रहते हैं ठीक है, उनके हाथ में एक पैसा नहीं है फिर भी फुल राजसिक ठाट से। तो केमिस्ट्री में मैं बेसिकली ये पैटर्न चूज करके एक एक टॉपिक करवाना चाहूंगा। अगर इस पैटर्न पे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो केमिस्ट्री का एक बैच स्टार्ट हो सकता है। मैंने कहा आपको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि बेसिकली मैं क्या करना चाह रही हूँ, क्या नहीं करना चाह रही। डेमो क्लास की तो मैंने कहा मैं आपको पहले सारे तरीका पैटर्न बताऊंगी, मतलब इस कोर्स को कराने का जो पहला मकसद है वो ये है कि आप कम से कम 50 हाथ देखो या कम से कम 50 कुंडलियां देखो, वो भी रिकॉर्ड होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कभी भी इतने से एक साथ नहीं देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे इंटेंशंस वही रहेंगे सेम, कि हम उसी तरीके से ही एस्ट्रोलॉजी के उतने ही नंबर ऑफ हैंड्स देख सकें। Thank you.
चलिए अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पे। अभी हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी में हमने चार्ट कैसे बनाते हैं पहले वो डिस्कस कर रखा है, फिर हमने 12 हाउसेस कौन कौन से होते हैं, किन हाउसेस से हम क्या क्या एक्टिविटीज देखते हैं, फिर हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं, साइंस की पोजीशन देखते हैं कि कौन सा साइन कहाँ पर है, उसके बाद फिर हम उस साइन के लॉर्ड्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, फिर इनकी डिग्रीज कितनी है, तो इसमें एक नक्षत्र होता है ये किस नक्षत्र में आता है। अब अगर अभी हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे रिजल्ट उसके बिना भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उसको पढ़े, लेकिन मैं उसको इतना बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं उसकी जरूरत पड़ती है तो देख सकते हैं, लेकिन कैसे देखना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिग्री सबके यहाँ पर डालते हैं। अब जब क्या होता क्या है कि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं, हमारे सामने चार्ट आता है, तो हम सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं उस पर्सन के नेचर और पर्सनालिटी को एनालाइज करने। अभी हमने जिस पर्सन का हाथ देखा था तो हमने ये देखा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो वो हम उसके कैसे उसके लगन से कैसे देख सकते हैं। देखो उसी पर्सन का चार्ट है, अभी हम लोगों ने जब हैंड देखा था तो हम अब चार्ट पर आ गए, वही क्वालिटीज हम उसके हैंड पे देख रहे थे, वही क्वालिटीज अब हम उसके चार्ट पे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले यहीं से शुरू करना है। अब हमने क्या पढ़ा है कि हम यहाँ से उस पर्सन का नेचर देख लेंगे, सबसे पहले उसका नेचर कौन सा होगा, 5 नंबर मैम, 5 नंबर, 5 नंबर की सारी क्वालिटीज उसके अंदर, बिल्कुल जी, माइनस की आ जाएगी साथ में प्लूटो की आ जाएगी साथ में मर्करी की आ जाएगी। अब हमने जो एक नेक्स्ट काम नहीं किया है दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ हॉरोस्कोप। इसमें दो चीजें होती है, दूसरी होती है रिवॉल्विंग, दो चीजें होती है, मूवमेंट और उसकी काउंटिंग होती है रिवॉल्विंग ऑफ द चार्ट। हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग है
कि आपको हैरानी होगी कि कैसे किसी पर्सन के बारे में आप एनालाइज कर सकते हो। अब मान लीजिए ये हमारे पर्सन हमारे सामने आया, अब इस पर्सन की हमने पर्सनैलिटी में कौन कौन से प्लैनेट्स देखे बताइए। मरकरी, प्लूटो, यूरेनस और सन। मरकरी, यूरेनस और प्लूटो, इन चारों क्वालिटीज का पर्सन नजर आया था साथ में। क्या वो सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग हेडेड है? जी, यस मैम। जी, ना क्या वो पर्सन मतलब एक रेवोल्यूशनरी, जैसे हम बोलते हैं सिंपल वर्ड में, वो रेवोल्यूशनरी है। जी, कुछ हटके करना। जी, एक्चुअली उन्होंने फैमिली में स्टैंडिंग बनाई है इन स्पाइट ऑफ बीइंग जीरो, यहां से भी, फेट लाइन से भी, इससे भी। और फिर प्लूटो में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। होते हुए भी क्या उनको सब कुछ मिलता है? नहीं। यहाँ पर उनका मनी कहाँ आ गया? उनके हाउस में। जी, उनको सब कुछ नहीं मिल रहा। ये हमने दोनों चीजों को कंबाइन करके मैच कर दिया। लेकिन अब हम इसके और डीप में जानना चाहते हैं। अब हमें ये देखना है, सबसे पहला साइन फाइव नंबर यहाँ पर है, तो अब ये फाइव नंबर हमको क्या रोल प्ले करता है? यहाँ पर क्या सिक्स नंबर, तो मनी और संस्कार कौन से नंबर के मिले हैं इनको? सिक्स नंबर। सिक्स नंबर के, सिक्स नंबर वाला क्या होता है? इंडिपेंडेंट चलता है मैम, खुद का। यहाँ पर मनी की बात होगी, संस्कारों की बात होगी, फैमिली की बात होगी, कैसे नेचर के होंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या इनकी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी? मैम वीनस है तो बोल नहीं सकती जी, उनकी फैमिली वीनस है। कनक मैम आप बोलिए। वीनस, हाँ मैम बोल रही थी मैं कि वीनस है तो हो सकती अच्छी होगी ना। सेकंड हाउस लॉर्ड लगन में पीछे चला गया हुआ है इसलिए। हम इसकी बात कर रहे हैं छह नंबर की। अब आशा मैम ने क्या बोला? एक घर पीछे चला गया ना तो 50% हो गए, 50% नहीं। और यहाँ पर वीनस हो सकता है दो नंबर वाला हो, तो ये क्या अपना कंफर्ट छोड़ेंगे अपनी फैमिली के लिए? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है छोटे भाई बहनों से वो पीछे चला गया। ठीक, अब हमें यही अगर यहाँ पर थ्री नंबर होता तो ये कैसे नेचर के होते? होते हैं, थोड़ा मान लेते हैं, थोड़ा नहीं मानते, मान लेते थोड़ा नहीं मान लेते। तो ये मूवमेंट है, काउंटिंग है, हम हर चीज काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर छोटे भाई बहनों की बात करें तो ये कैसे चलते हैं उनके साथ? बैलेंस चलते हैं मैम, बैलेंस होके चलते हैं जी। क्या इनके मन में उनके लिए प्यार है? यस मैम, प्योर मतलब है। और अगर बड़े भाई बहनों को देखें तो मैम ड्यूल है इनके साथ भी, के साथ भी, लेकिन वो तो साथ भी बैठ गए हैं आके जी। क्या उनसे बनती होगी इनकी यहाँ की लड़ाई होगी? बनती होगी मैम, बनती होगी बहुत ज्यादा। क्यों? तो है वहाँ पे कभी ब्लास्ट भी कर देते होंगे। हाँ ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग थोड़ी बहुत होती है, ब्लास्टिंग होती है, लेकिन अदरवाइज बनती है। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें इसकी मूवमेंट करनी है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। दो दिन पहले क्या कहते हैं ब्रदर के यहाँ आग लग गई फैक्ट्री में। अब हम इस चीज को कैसे देखेंगे कि इनके ब्रदर की हमारे पास अपना चार्ट लेकर आए कि मेरे भाई के यहाँ आग लग गई? ठीक है, मैं एक सेकंड जरा, एक सेकंड में आ रही, जस्ट वन मिनट। छोटे भाई की आग लग गई, ठीक है। अब हम फायर कैसे देखते हैं? फायर कौन से प्लैनेट से देखते हैं? मार्स से। अर्थ, ठीक है, मार्स से देखते हैं। और छोटा भाई उससे देखते हैं थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से। यहाँ से थर्ड हाउस से अगर हम उनका छोटा भाई देख रहे हैं तो उसका, उसकी फैक्ट्री क्या होगी, कौन सा हाउस होगी?
टेंथ हाउस उसका टेंथ ऑर्गेनाइजेशन होगा ना टेंथ हो यहाँ से काउंट करो बारह भी हो गए बारह ग्यारह नंबर आ गया ये हो गया चार नंबर अब यहाँ पर आपको कहीं पर फायर का वो लग रहा है राहु इकट्ठे बैठे जी मैम सन तो इटसेल्फ फायरी प्लेनेट है यहाँ पर सन आ गया राहु के साथ बैठे हैं तो कोई गैस वगैरह लीक हुआ होगा गैस लीकेज हुई होगी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी है ना क्या यहाँ पर क्या हमें ये चीज छोड़कर फॉर्म हो गई मैम दशा कौन सी चल रही है इनकी इनकी दशा चल रही है मैम परसों आग लगी हाँ जी तो मून उस वक्त में अपने ही हाउस में बैठा हुआ था अपने हाउस में कैसे बैठा था फोर मैम ट्रांजिट में बोल रहे हैं ट्रांजिट नौ नंबर में नहीं है अभी अभी नौ नंबर में आज नौ नंबर में वहाँ पर था उस दिन यहाँ हुआ रहा होगा ना मैम उस दिन आठ नंबर में रहा होगा ना परसों जी जी हाँ जी आठ नंबर में आठ नंबर किसका होता है मार्स में था अब यहाँ क्या कहते हैं मून कहाँ पर है आप लोगों ने इतना कनेक्ट मैम राहु तो एक नंबर में है राहु ट्रांजिट का तो मून की बात करते हैं उस टाइम मून अपने हाउस में था मून यहाँ पे 11th हाउस में है मैम तो उस वक्त में 9th हाउस में रहा हो इनके 9th हाउस में है इनके 8th हाउस में रहा होगा ना उस टाइम है ना तो ये यहाँ से सेकंड हो गया इनका जी क्या हो गया वैसे अगर हम देखें तो मर्करी मनी को रिप्रेजेंट कर आज क्या डेट है 15th सैटर्न केतु मून मार्स सैटर्न केतु मून मार्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सैटर्न केतु मून मार्स में से किसी प्लेनेट का रोल आ रहा है इस हाउस में Yes, मून का तो आ ही रहा है मैम मैम सैटर्न का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है और मून का साइन आ गया ठीक दो प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ गया यहाँ पर केतु का भी है ठीक है तो जो ये दोनों प्लैनेट्स है ये दोनों कहाँ बैठ गए जाके 12th में यहाँ पर नहीं 10th सिक्स्थ और ये मून है ना तो अगर ये उनके हॉरोस्कोप में देखें तो इनका सिक्स हाउस है जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका सिक्स हाउस है लेकिन अगर हम ब्रदर की बात करें तो ब्रदर का ये कौन सा हाउस है फोर्थ हाउस और दशा का केतु देखें तो केतु भी यहाँ आ गया जी यस मैम है ना केतु भी यहाँ आ गया मार्स का एस्पेक्ट देखें तो मार्स का एस्पेक्ट भी यहाँ आ गया यस मैम तो ब्रदर का फोर्थ हाउस हुआ तो ये किसका काम हो सकता है क्या इनके ब्रदर के घर का कोई जान पहचान का बंदा हो सकता है जिसने ये काम किया हो बिल्कुल मैम क्योंकि सेकंड हाउस में जो है सो मार्क्स जो है और मून उसी दिन बैठा हुआ था सबका सेवंथ एक्सपेक्ट भी 10th हाउस पे इनके पड़ रहा है सारे प्लैनेट्स इनके इस हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं और इनके 6th हाउस है सिक्स हाउस कौन होते हैं एनिमी होता है एनिमी शत्रु मतलब ब्रदर के ओपन एनिमीज और सेल्फ के ओपन एनिमीज और ब्रदर का घर क्या कोई ऐसा पर्सन है जो इनका एनिमी था लेकिन ये उसमें क्या कहते हैं इनके घर में रहता था बिल्कुल कोई कोई सर्वेंट तो नहीं है वे नेक्स्ट देखो हम इनको नहीं जानते वी डोंट नो दिस पर्सन क्या इनका रोल हो सकता है इस काम में अभी अभी दिमाग में मेरे आया है इंट्यूशन
मैम इनके सर्वेंट का रोल भी हो सकता है कि इनका सर्वेंट उनके यहाँ काम करने गया हो, इनका सर्वेंट इनके यहाँ काम करने गया हो और उसने ये काम करवाया हो जी, क्योंकि सैटर्न या उन्होंने अपने सर्वेंट से करवाया हो, ऐसा हो सकता है। हाँ सर्वेंट ही मैं बता रही थी आपको ना, सर्वेंट क्या इन्होंने अपने किसी सर्वेंट से या किसी एम्प्लॉई से या किसी से ये काम करवाया हो सकता है। यस मैम, आजकल कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्या इनकी एनिमिटी हमें नजर आती है यहाँ पर, तो यूरेनस का ब्लास्ट दिखता है और यहाँ पर अगर हम हाथ से रिलेट करें तो हम अगर हम हाथ से भी ढूंढे तो क्या ये हमें हाथ में चीज ये नजर आएगी क्या यहाँ पर इनके 60s की एज में, क्या ब्रदर का कोई इम्पैक्ट आ रहा है दुश्मनी, हमारे ब्रदर की एनिमी की लाइन है, एक लाइन जा रही है मैम काटती है, क्या ये यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है क्या, नहीं सकता, देखो श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, इतना ज्यादा नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि कोई इनके यहाँ जो काम करता था और वहां चला गया उसके थ्रू हुआ हो, जरूरी नहीं है इन्होंने चलाया। अब आपने दोनों चीजों को कोरिलेट करके चेक किया क्योंकि देखो हाथ में 60s की एज में कोई गलत काम करवाना नहीं आ रहा, मरकरी में कोई गलत काम करवाना नहीं आ रहा, फैमिली में प्रॉब्लम जरूर आ रही है यहाँ पर, अब ये भी एक फैमिली है कुटुंब है यहाँ पर, ठीक है ना, इनके जुपिटर पे पूरा कुटुंब जुपिटर पे आ गया, उस कुटुंब में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से एनिमी लाइन नहीं आ रही है, अगर इनकी किसी से उस ब्रदर से एनिमिटी होती तो शायद हम कहते कि हाँ इन्होंने करवाया, ठीक है मतभेद रहता है, लेकिन उस भाई के लिए इनके मन में क्या है नेपच्यून, तो क्या ये इसके गलत सबका गलत कर देंगे, नहीं करेंगे, तो ये हो गया हमारा रिवॉल्विंग ऑफ चार्ट, अब क्या इस भाई को वो पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस के या इनकी फैक्ट्री जल के खत्म हो गई, इंश्योरेंस और मनी के लिए हमें क्या क्या देखना है इसी चार्ट से, हमारे पास उस पर्सन की चार्ट पर मैम उनके चार्ट से देखेंगे कि भाई के चार्ट से, भाई की फैक्ट्री है, भाई का इंश्योरेंस है, भाई के पैसे है, भाई का हाउस कौन सा लेंगे, सिक्स हाउस लेंगे मैम लोन के लिए, मतलब इंश्योरेंस के लिए भी, छोटा भाई सबसे पहले छोटे भाई को कौन सा हाउस से लेंगे, थर्ड हाउस से मैम, थर्ड हाउस लेंगे, उसको इंश्योरेंस कौन से हाउस से लेंगे, सिक्स हाउस, एट हाउस, सिक्स हाउस, 1 2 3 4 5 6 हाउस हो गया जुपिटर, जुपिटर ठीक है, उसका ये ब्रदर हो गया, ये इंश्योरेंस हो गया मैम, जुपिटर भी अपने से एक घर पीछे चला गया, इनका मनी कौन सा हाउस होगा ब्रदर का जो इनको पैसे मिल रहे हैं, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस है ना जो इंश्योरेंस का वो पैसे मिल रहे हैं, अगर हम देखें थर्ड हाउस क्या था हमारा वीनस है, ये है वीनस, इंश्योरेंस अगर हम देखें तो ये है जुपिटर, एक घर पीछे और वैसे भी रेट्रो है तो एक और पीछे हो गया जी, क्या रिजल्ट है, क्या ये कंफर्टेबल आराम से कंफर्ट देगा या प्रॉब्लम और प्रॉब्लम करेगा, मैम रेट्रो भी है एक घर पीछे भी है तो प्रॉब्लम ही देगा, ज्यादा प्रॉब्लम करेगा ना, मनी क्या है यहाँ पर मार्स और ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन देगी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हाउस है, 12th हाउस है, 12th हाउस है इसका, 12th हाउस जो है मून, ठीक है यहाँ पर आ गया ब्रदर, ब्रदर को जो पैसे मिलने हैं वो है 4th हाउस, इसके इंश्योरेंस के वो है 8th हाउस और जो इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो है 12th हाउस, वीनस जुपिटर मार्स और मून, क्या इनके ब्रदर के लिए वीनस स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है या वीनस, मैम एक घर पीछे है, वीनस हो गया वीक, ठीक, अब अगर जुपिटर देखो वो भी एक घर पीछे है,
मार्स देखो, मार्स अच्छा है मैम, सेकंड हाउस लॉर्ड नाइन्थ में जाके बैठा है। अगर मार्स देखो तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाइन्थ, 8, 9, 7 नाइन्थ में बैठ गया, और नाइन्थ में ही बैठ गया ना, 4, 5, 8, 2 सेकंड हाउस ये है मार्स, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, और किसमें बैठ गया, नाइन्थ में ही बैठ गया। मार्स इनका कैसा है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। ऑर्गेनाइजेशन की दशा चल रही है, अगर ये फाइट करें तो क्या ये पैसे वापस ले सकते हैं? आजी मैम पूरे नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं या थोड़े कम मिल सकते हैं, नहीं मिलेगा इंश्योरेंस। वायरिंग हमेशा किससे देखते हैं, राहु से, राहु, राहु इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर कहीं? हाँ जी मैम, इतना क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन में राहु टेंथ हाउस से ही, टेंथ हाउस के साथ। तो एक तरीका ये है कि हम इस तरीके के अलग अलग इवेंट्स को चेक करें और हम इस पे और डिटेल में डेलिनेशन ऑफ होरोस्कोप करेंगे। जैसे हमने उसके अलावा, अब ये तो हो गया एक इवेंट जिसमें हमने रिवर्सल मूवमेंट ऑफ फोर कर लिया, अब लेकिन इसके अलावा हम अगर ये तो हम एक साइड रख दें, किसी भी पर्सन की, मान लीजिए इनका अब छोटा बेटा है, इनका छोटा बेटा कौन सा हाउस होगा, छोटा बेटा सेवन था, सेवन था, सेवन था, सेवन था। और होगी अजी मैम सेवन में जुपिटर, उनके छोटे बेटे की वाइफ मैम वही है जो ये खुद है मैम, फिफ्थ हाउस है जो इनका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट, हाँ जी, ये इनका बड़ा बड़ा बेटा, दो बेटे हैं इनके, ठीक है, ये बड़ा बेटा है, ठीक है। वाइफ कौन सी होगी, इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस। अब इनकी छोटे भाई की वाइफ कैसी होंगी, लास्ट वाले, जैसे लास्ट भाई की वाइफ कैसी होंगी, जैसे अभी स्ट्रॉन्ग और मनी माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड और मनी माइंडेड, और क्या कहते हैं विजडम वाली भी होगी, क्योंकि दो नंबर भी है। हमने ये निकाला कि कौन इनको ज्यादा पूछेगा, किससे ज्यादा बनेगी इनकी, ये बड़े बड़े बेटे की वाइफ, नहीं बड़े बेटे की वाइफ से बनेगी, हाँ बड़े बेटे की वाइफ से बनेगी, तो दोनों बहुत शांत होगी और इनसे तो बराबर की टक्कर, है ना, ऐसे करके सारे इवेंट्स निकाल सकते हो आप, कि मदर की हेल्थ कैसी होगी, कि मदर नहीं है अभी, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस डिस्कस किया था कैसा था, अच्छा है मैम, स्ट्रांग था, इनके 11th हाउस में बैठी है, क्या इनकी मदर इनके लिए रखती है मैम, से इनको प्रॉफिट भी होता होगा, तो बहुत प्रॉफिट भी होता होगा, इनको अपनी मदर की सेवा करनी चाहिए और इनकी चलती भी होगी, बहुत चलती भी होगी, बहुत स्ट्रांग हेडेड होगी और बहुत इनकी चलती भी होगी। इस तरीके से हम डेलिनेशन ऑफ होरोस्कोप्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि अगर हम इस पैटर्न के साथ साथ हम ये टॉपिक पकड़े, फॉर एग्जांपल हम इनको ले लेते हैं, क्या तो 12 हाउसेस में क्या क्या इंपैक्ट छोड़ेगा हमें नहीं पता, कंफ्यूज हो जाता है। एक चीज तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन देता है क्या, डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक वर्ड कर लिया, लेकिन डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, मैम कुछ भी तोड़ के नया बनाना, कुछ भी तोड़ कर नया बनाना, अब यहाँ पर क्या इंसान अपने आप को भी तोड़ सकता है, अपने आप को हर्ट कर सकता है, चारों को चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या ये पर्सन अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, विचारों को बदल के, और अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि अपने आप को तोड़ेंगे या कोई दूसरों को चेंज करेंगे, ये अपने तरीके से काम करेंगे, ये अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, अपने तरीके से काम करके दूसरों को ठीक करेंगे, लेकिन अपने आप को भी
अंदर से ये थोड़ा सा डरेंगे भी, ऊपर से जितना मर्जी शेर बन जाए अंदर से क्या ये डरपोक होंगे? मैम डरपोक तो नहीं होंगे क्योंकि सन वाली भी क्वालिटी है। ये अपने आप को थोड़ा हर्ट करके या बहुत परेशान होके दूसरे के लिए करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये अपने आप को हमेशा नुकसान नहीं करेंगे। उनके सेवंथ हाउस में कौन सा प्लैनेट आ गया? जुपिटर। इसकी क्या स्पेशलिटी है इस हाउस में? टू मैरिजेस मैम। टू मैरिजेस स्पाउस। क्या ये रेड रूम है? 50% रह गया तो क्या ये दो शादियां करेंगे या इनके एक शादी और एक ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा जो शादी के बराबर होगा? मैम तीनों हाउस जोड़े हैं, 5, 7, 8। 5, 7, 8, 12 भी इनके साथ जुड़ गया तो शादी तो नहीं करेंगे। शादी तो नहीं करेंगे लेकिन मैरिटल जी पूरा रेस्पेक्ट देंगे उसको। मैरिज होगा, इक्वल टू मैरिज। इक्वल टू मैरिज होगा लेकिन टू मैरिज नहीं होगी। मिस्ट्रेस कौन से हाउस से आता है? कैसे मतलब उसको इतना दर्जा दे देना कि इसके लिए घर बना देना, टिपिंग अ मिस्ट्रेस वो सारी चीजें पूरी करके दे देंगे। सेकंड हाउस से आता है मैम। सेकंड हाउस कौन से यहां पर क्या है? वीनस है मैम। वीनस है मैम, 6 नंबर है। और क्या है? मरकरी। मरकरी वो तो 11th हाउस में है मैम, उसका साइन है। मरकरी क्या उसमें आके पे ट्यूटर को देख रहा है तो उनको पैसे भी देते होंगे? यस मैम। और मैम वीनस है तो बहुत लग्जरी भी देती है। लग्जरी के साथ रहते होंगे। मिस्ट्रेस के लिए ना 2-11 देखे तो 11 का लॉर्ड जो है लगन में बैठ गया तो उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये छोड़ ही नहीं पाएंगे कितना भी झूठ बोल ले, जो मर्जी हो जाए घर में तो पूरा कंफर्ट देंगे। इतना कंफर्ट देंगे उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से आप एक पर्सन के सारे लाइफ इवेंट्स की डिस्कशन अगर करना चाहो, प्लस जैसे अगर हम डेथ देखते हैं तो हम कौन से हाउस से देखते हैं? क्या चीज? जो मर्जी हो जाए ये जो मर्जी बोल ले कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैं उसके पास नहीं जाता, मैं उससे नहीं मिलता। मैम ये भी काफी अच्छी होगी क्योंकि जुपिटर है तो ये भी जुपिटर है तो काफी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल अच्छे घर की हो सकती है। काफी मेरे को लगता है एजुकेटेड भी होंगी। मैम रेशो तो 6-8 का है। लड़ाई होती होगी उनसे, झगड़ा करके बैठ जाते होंगे। अब बताओ कौन झगड़ा करता होगा, ये या वो? मैम कभी झगड़ा होता होगा, कभी अच्छे से रहते होंगे क्योंकि जुपिटर भी पहले ये बताओ। है जी मैम। झगड़ा कौन करता होगा? सर ही करेंगे। हाँ क्योंकि प्लूटो सन राहु सारा ही इन्हीं की तरफ है। मैम उनकी वाइफ भी कर सकती हैं क्योंकि 11 नंबर हैं तो उनको भी डिसिप्लिन पसंद होगा और जुपिटर है तो विजडम के साथ वो अपनी बात रखती होंगी। वाइफ को पता होगा? मैम रेट्रो है तो पता भी होगा क्योंकि सैटर्न वाले हाउस से कनेक्ट हो गया हुआ है। पता होगा, वाइफ को पता होगा। और सर जो सेल्फ बैंक का ये राहु केतु सैटर्न सबकी उसमें आ गया,
एक्सिस में और चला गया सिक्स हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, तो कई बार ये जब टाइम नहीं देते होंगे तो झगड़ा होता होगा। हाँ जी मैम, कई प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं इनसे तो जा सकते हैं मैम, लेकिन सेकंड हाउस में तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो करने के बाद छोड़ भी सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने, कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। गुड हैबिट मैम में नहीं है सैटर्न, सारी बैड हैबिट्स है सारी, लेकिन अभी इन्होंने एक-एक करके धीरे-धीरे पिछले 5 साल में सारी छोड़ी। बिकॉज़ ऑफ केतु है, बिकॉज़ ऑफ केतु, जुपिटर केतु। मैं जब गलत करा रहा था केतु, तो इतना सिगरेट पीने की वो लत थी, इनको भी पूछो मत। तो बाहर भी गए होंगे क्या ये स्पिरिचुअल है? मैम स्पिरिचुअल तो है मैम, सैटर्न केतु तो स्पिरिचुअलिटी देता ही है। ट्रेवल्स कर सकते हैं, वैसे भी 5 नंबर है तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये। क्या ये वो कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स कर सकते हैं? स्पिरिचुअल ट्रैवल हाँ जी मैम, ये आ गया मार्स, देखो जो जी सबसे अच्छा है मार्स जी, वो 7 और 9 इन्होंने अपनी वाइफ के साथ सारे स्पिरिचुअल सारे धामों की यात्रा और ये कैलाश मानसरोवर जो नेपाल में वहां पर इंडिया से बाहर है वो वाली यात्रा कर दी। अभी आपने फॉर्म बोला तो मेरे को, ये राजीव सर की कुंडली है क्या? नहीं नहीं, आप नहीं जानते इनको। आपको पता राजीव सर के साथ क्या अभी क्या हैपनिंग हुई है? नहीं मैम। ये 2-3 दिन पहले राजीव सर ने फेसबुक पे डाला हुआ था कि उनकी ना कजिन सिस्टर रोड क्रॉस कर रही थी तो एक्सीडेंट हो गया उनका, मतलब उन्होंने उनका मोबाइल लेके और उनका नंबर देखकर आगे फोन कर दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर पेशेंट पड़े हैं, तो हॉस्पिटल ले गए उनको, 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। किसी को नहीं पता उनकी डेथ कैसे हुई है, लेकिन उनके बॉडी के सारे ऑर्गन्स डोनेट हुए हैं, उन्होंने अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स डोनेट किए हैं जिसमें से हार्ट और लिवर 2 पेशेंट्स को लग चुका है और सक्सेसफुल हो गया। बहुत अच्छी बात है, नंबर लोग हैं देखो दुनिया में, तो बोल गई होंगी या लिख गई होंगी कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर रहा, तो उनका हार्ट किसी के दिल में आज धड़क रहा है, उनका लिवर आज कोई जी रहा है, चाहे वो खुद चली गई है। ये भी देखो कहीं ना कहीं इसमें चार्ट में रिफ्लेक्ट होता होगा ना किसी के, देखो कितने स्पिरिचुअल है कि ये वहां की यात्रा तक करा, तो आपने फौरन बोला वो यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो मून था मून केतु यहाँ भी कनेक्ट हुआ, इनका सेल्फ भी 12th में चला गया राउंड के साथ, ये वैसे फॉरन ट्रेवल के लिए नहीं गए लेकिन ये इस तरीके से गए। इंटरेस्टिंग कुंडली, क्या यही चीजें हाथ में भी रिफ्लेक्ट होंगी? जी मैम, तो यहाँ मनी का गेम कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है मनी की कमी कोई नहीं है, और यही वीनस है तो क्या कहते हैं क्योंकि मर्करी है, सॉरी यहाँ उसको देख रहा है, तो इनको लग्जरीज तो सारी मिल रही है लेकिन यहाँ से यहाँ पैसे रहते होंगे अपने पास नहीं रखते होंगे, इमोशनल होके दे देते होंगे, यहाँ जाके बैठ गए हैं खर्चे के घर में बैठे हैं, बहुत खर्चा करते होंगे, दूसरे वाइफ ले लेती होगी मैनेजमेंट का लॉर्ड तो वही बैठ गया ना 7th हाउस में, इसलिए सारा मैनेजमेंट उन्हीं के पास है।
इस तरीके से आप पूरी कुंडली को रिवॉल्व भी कर सकते हो। आप एक एक प्लैनेट का, जैसे वीनस की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है सेकंड हाउस में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, वो आप कर सकते हो। फिर आप फिफ्थ का फिफ्थ, एट्थ का एट, सेवन का सेवन, ऐसे करके इसको रिवॉल्व करना हो तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं पूरे हॉरोस्कोप को मूव करके एक एक इवेंट निकाले। अब वो इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं कि उनको मिल जाए पैसे, जब मिलेंगे तो आप लोग को मिले या नहीं, उनको किस किस हाउस में क्या क्या डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन करेगा वो हम देखेंगे। क्या ये अगर फोर्थ हाउस में प्लूटो आ जाए तो क्या ये अपना पूरा घर तोड़ के फिर से बना सकते हैं? यस मैम। तो जो जी मैम टूटेगा तो बन भी जाएगा क्योंकि वहां का लॉर्ड 11th में है, वो अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा प्लूटो की क्वालिटी वहां पे क्या होगी? घर तोड़ना तो वैसे भी सैटर्न मैम घर में ब्लास्ट होते रहेंगे फैमिली में। हाँ, घर में ब्लास्ट, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। या फिर घर का सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दो। अच्छा, कितना पॉसिबल होगा जब कोई पॉजिटिव प्लैनेट भी साथ में बैठा होगा। अब इनका मार्स कैसा है यहाँ पर? मार्स तो अच्छा है, अच्छा मैम, 11th हाउस हाउस का भी लॉर्ड है तो पॉजिटिव ही हो गया। चाहिए घर में डिसिप्लिन ले आएंगे जी, चाहिए एक अच्छा सिस्टम लेकर आएंगे। लेकिन उनका घर की तरफ क्या है रिएक्शन रहेगा हमेशा 8 नंबर का मैम? स्कॉर्पियो वाला रहेगा, डोमिनेटिंग तो होंगे, डोमिनेट। डोमिनेटिंग के अलावा 8 नंबर क्या करता है? बिच्छू की तरह डंक मारता है। हां, बैक हर्टिंग और अंदर ही अंदर मन में बातें रखता रहता है, थोड़ा सीक्रेटिव रहते हैं ना ये लोग। तो ये घर में बहुत सीक्रेटिव रहेंगे और किसी दिन ब्लास्ट कर जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। जब ये ब्लास्ट करेंगे तो इनका ब्लास्ट का इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा क्योंकि 9th का मार्स है और 11th का मार्स। इससे एक पैटर्न ये है जिसमें सारे चार्ट्स हम हर प्रयास उसमें प्रैक्टिकल करके आप लोग चार्ट्स हम रिवॉल्व करें और इवेंट्स निकालें, एक एक चीज को मूव करें और काउंट करें कि इसका फोर्थ ये होगा, इसका फिफ्थ में ये इम्पैक्ट आएगा, जुपिटर का सेवंथ में ये इम्पैक्ट आएगा, नेपच्यून का थर्ड में ये इम्पैक्ट आएगा, या प्योर लव का इम्पैक्ट क्या आएगा, मतलब प्योरिटी क्या होती है, किस लेवल तक ये स्पिरिचुअली हाई जा सकते हैं, ये सब चीजें अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आनी है तो ये हम कर सकते हैं। दोनों पैरेलल चलानी है वो हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक ही कोर्स में हम आधा ये आधा वो करते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अब ये आप लोग मुझे सजेशन दोगे क्योंकि देखो नई शुरुआत है तो हम जैसा मर्जी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं अपने ग्रुप के लिए। तो किसी को अगर करना होगा तो आप मुझे कंफर्म कीजिएगा और कैसे करना है ये भी आप मुझे बताइए। तो आपकी दोनों डेमो क्लास इसी में हो गई है? इसी में दोनों डेमो इसी में इसीलिए डाली थी आप लोग को एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि करना क्या है हम लोगों को। बेसिकली नहीं, मेरे को लगा था शायद अलग अलग है, इसका मतलब एक ही में आपने दोनों डेमो कर दिए ना। दोनों डेमो कर दी थी ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरा टारगेट क्या है। अगर ये कि एक ही करोगे तो फिर 25-25 हो जाएंगे डिवाइड, 25 हाथ देख लिए, 25 चार्ट्स देख लिए, अलग अलग करना है तो 50-50 के दो अलग अलग बन जाएंगे। फिर हम एक ही पैटर्न पे चलेंगे कि हम इसी में डीप चलते जाए, उसमें जो चीजें हम अभी तक नहीं कर पाए हैं वो हम से डिग्री तक नहीं देख पाए हैं अभी तक। हम लोगों ने इसमें डिग्रीज का इतना इम्पैक्ट नहीं देखा जबकि डिग्रीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर मून कितने डिग्री का है? मून वीक है, बहुत वीक है ना, 3 डिग्री 40। जब तक 12 डिग्री का नहीं आता तो पिछले हाउस के रिजल्ट देता रहता है। वीनस मर्करी अच्छा है, दोनों की डिग्री अच्छी है। वीनस मर्करी जुपिटर ये स्ट्रांग है, ये सब स्ट्रांग है। अब ये सन जैसे इनका क्या स्ट्रांग है, वीक है? ये ओल्ड हो गया ना, बूढ़ा हो गया। क्या ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है? नहीं, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। ठीक करने के लिए क्या उनको कौन सी रेमेडी एग्जैक्टली बतानी चाहिए? स्टोन बताना है तो ये बताएं, अगर नख बताना है तो कौन सा नख बताएं, सॉरी वो रुद्राक्ष बताना है तो कौन सा रुद्राक्ष बताएं,
अगर पूजा बतानी है तो किस चीज की पूजा जाए, पॉजिटिव में करनी है, किस चीज के दान करने हैं, किस चीज के व्रत नहीं रखने, वो सब हम कर सकते हैं इसमें डिटेल में, क्योंकि हम इतनी डीप में इतनी प्रैक्टिकल्स कर नहीं पाए अभी तक। तो अगर तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आप लोग कहोगे इसी संडे मंडे ट्यूजडे शुरू नहीं करे थोड़ा आगे कर ले कर सकते हैं, मुझे किसी तरह किसी भी चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके हो जितना मैं करा चुकी हूँ उससे, क्योंकि इसमें और नया सीख कर आप लोग ना जम्बर्ड हो जाओगे, पढ़ने को बहुत चीजें हैं, अष्टक वर्ग है, 32 टाइप्स के चार्ट्स हैं, नवांश है, चंद्र लगन है, ये लगन है, दशम दसवा लगन है, ये लगन, वो सब करने से क्या होगा आप इतने उलझ जाओगे कि आप प्रेडिक्शंस पे नहीं रह पाओगे। अगर तो आपको सिर्फ प्रेडिक्शंस पे रहना है तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और वो सेल्फ प्रैक्टिस अगर नहीं हो पा रही है तो इस पैटर्न से प्रैक्टिस हो सकती है, जिसमें ये हो सकता है कि फिर इंडिविजुअली जैसे अभी हमने एक चार्ट लिया, उस मान लीजिए सुनीता मैम ने एक चार्ट लिया और आशा मैम उस पर बोल रही है, या मनप्रीत मैम ने चार्ट दिया और कौशिक मैम उस पर बोल रही है, या सोनिया मैम उस पर बोल रही है, तो ये हम कर सकते हैं। या एक हाथ लिया उस एक इंडिविजुअल एक पर्सन पूरे हाथ पे बोलेगा तो उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा, कहाँ वो अगर मान लो उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए वो अटक गया तो हम कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, कौन सी आदि नहीं आदि कि हम देखते कैसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता कि इनको हमें देखना कैसे है। मैम इनके साथ हम डिविजनल चार्ट्स करेंगे या जरूरत नहीं है? नहीं, ठीक है। अब इसमें डिग्रीज की बेस पे हम चलित कर सकते हैं, जी होता है कि आप ये आपका एक प्लैनेट कितनी स्लो चाल चल रहा है या स्पीड चाल चल रहा है। अब मान लीजिए चंद्रमा है तो ये पांचवें घर के रिजल्ट्स भी दे रहा होगा चलित में, जी। तो अगर आप चलित का चार्ट बनाओगे तो ये सस्ता उसमें चला जाएगा, लेकिन चलित होता क्या है कि वो कैसी चाल चल रहा है क्या कर रहा है वो हम इसी में ही पढ़ सकते हैं। मतलब इसके अलावा हमें नया चार्ट ना चाहिए, इसी को इतना परफेक्ट कर ले कि ये भूलने लग जाए हमारे, ठीक है। मतलब हर इवेंट में इनका प्रोफेशन क्या रहा होगा, अच्छा बताओ क्या आप एक प्रोफेशन निकाल सकते हो इनका? कोई भी एक प्रोफेशन निकाल दो इनका। अब हमें ये तो समझ आ गया था हाथ देखकर चार्ट देखकर कि ये जॉब नहीं करेंगे और ये बिजनेस करेंगे, और इन्होंने जो 6 महीने 5-6 महीने नौकरी करी थी उसके बाद बिजनेस में आ गए थे। यहाँ पर देखो अगर सैटर्न है रेट्रो है तो हो सकता है 5-6 महीने यहाँ पे भी दिखा रहा है कि शुरुआत करें जॉब से, लेकिन फिर ये करेंगे कोई अपना काम ही। मैम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ था इनका, आपने बोला प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और आप जितने जितने ऑप्शन ओपन कर सकते हो करो। आप लोग मैम गवर्नमेंट से रिलेटेड भी, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी। सबसे पहले हम देखेंगे किस चीज से इनका प्रोफेशन, कपड़े से भी रिलेटेड देख सकते हैं, कपड़े से रिलेटेड भी देख सकते हैं, ठीक है। कपड़े या कॉस्मेटिक, आपने कपड़े या कॉस्मेटिक क्यों बोला मैम? ये दो नंबर की वजह से, वीनस की वजह से बोला। वीनस तो मनी में चला गया, हमें इनका सिर्फ 7th हाउस देखना है प्रोफेशन, सिर्फ 7th हाउस। 7th हाउस में कौन सा साइन है? 11 नंबर सैटर्न का है, सैटर्न से रिलेटेड ये सारे। तो कंस्ट्रक्शन का कर कंस्ट्रक्शन, लोहे का काम कर सकते हैं, लोहा कोयला, है ना। अब हमें 3 काम मिल गए, पुरानी गाड़ियों का, यानी अगर पुरानी चीजों का काम ज्यादा करेंगे या फिर ये रॉ मटेरियल का काम ज्यादा करेंगे, रॉ मटेरियल का ज्यादा लग रहा है, रॉ मटेरियल का लग रहा है। और उसमें भी क्या ये बिजनेस करेंगे या ये अपनी सर्विसेज देंगे या दोनों करेंगे? मैम सर्विसेज के हाउस में बैठा है 7th लॉर्ड, ठीक है। तो और 6th और 7th दोनों का लॉर्ड भी है, तो अब बिजनेस में ये सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे।
मैम दोनों लेके चलेंगे, मैनेजमेंट भी और सर्विस सर्विस प्रोवाइडर भी लेकर चलेंगे। और मरकरी भी इनको देख रहा है तो ये बिजनेस कर सकते हैं, मरकरी इनको देख रहा है तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं, तो मरकरी पैसा भी दे रहा है और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी दे रहा है। अब सैटर्न देखो कितने प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, केतु के साथ और मून के साथ। सैटर्न जॉब नहीं दे पाएगा क्योंकि इतने सारे प्लैनेट है, मतलब ये कर ही नहीं पाएंगे जॉब, मतलब ये कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये बिजनेस कितने तरह के कर सकते हैं। सैटर्न वाला भी जुपिटर मैनेजमेंट भी और गवर्नमेंट से ठेका भी दे सकते हैं। मैम ये ठेकेदारी ज्यादा सूट करेगी क्योंकि गवर्नमेंट और शनि दोनों मिल, गवर्नमेंट का ठेका ले सकते हैं, ये ठेकेदारी भी कर सकते हैं। देखो अभी आप लोग बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बताते जा रहे हो मुझे। राहुल केतु क्या कराता है, गैस का कोई, गैस से रिलेटेड भी हो, पेट्रोल पंप हो सकता है मैम इनका, या केमिकल्स का कोई काम भी हो सकता है। म्यूजिक से रिलेटेड, जहाँ गैस वगैरह कुछ ऐसी चीजें बनती है उससे, राहुल से केमिकल्स से गैस सारे उस राहुल से आ गए। मैम उन तो म्यूजिक के लिए, म्यूजिक वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा खाने पीने में मैम क्या चीज, आपकी आवाज कट रही है। मून खाने पीने में किस चीज का, दूध, दूध को मैम, दूध को, लिक्विड को, दूध से बने लिक्विड चीजें, मिल्क डेरी, मिल्क डेरी, मिल्क डेरी, मिल्क डेरी हो सकती है, मिल्क डेरी भी हो सकती है, है ना। और सबसे स्ट्रॉन्ग इनका मरकरी और मार्स है। मैम मून वीक है तो शायद वीक का तो नहीं कर पाएंगे। अब आपने जितने काम बताए इन्होंने ये सारे काम किए, आप लोगों ने जितने काम बताए हैं ना इन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं। लेकिन जो इनका सिर्फ काम जो इनका स्टेबल चला वो है लोहे की पाइप्स का, लोहे पाइप्स, वाटर पाइप्स, खाली पाइप्स बनाना लोहे के, लोहे के पाइप, वो सैटर्न से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड। उसमें ये सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं और इनके बच्चे वो काम करते हैं। क्या रोल आ रहा है उसमें, जुपिटर सेवेंथ में बैठ के मैनेजमेंट दे रहा है इनको, और सेवेंथ हाउस दूसरे बेटे का हो गया जी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट भी आ गई। यस मैम, इन्होंने पांच या छह तरह के काम किए, लाइजनिंग का काम इन्होंने किया हुआ है, पैसे उस पे लोन क्या कहते हैं ब्याज पे लेने का काम ये करते हैं। मैम हम इसमें ये भी देखेंगे कि अगर अपनी वाइफ के नाम से काम करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ तो हो सकता है वो एक फैक्ट्री वाइफ के नाम से भी बना रखी हो। अभी जो रिसेंटली उन्होंने जो प्लॉट लिया मेरे वाइफ और वाइफ और वो देखो इनका ऑर्गेनाइज छोटे बेटे के हिसाब से मैम, छोटे बेटे इनकी वाइफ का और ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिट मैच करता है। इनका वाइफ कौन है, सैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वेनस, वाइफ है सैटर्न, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड पे जमीन ले सकते हैं। यस मैम मैं एग्रीकल्चरल लैंड पे ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे फैक्ट्री बनाने के लिए जगह ले सकते हैं। हाँ जी मैम, वो सात और दस का कनेक्शन हो गया और दस जाके बैठ गया सेकंड हाउस में मैम, पैसे में, तो क्या उससे पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कमा लेंगे। आप देखो कितनी चीजें इस चार्ट में से निकाल, अभी तो हम पता नहीं कितने इवेंट्स और होंगे जो हमें पता ही नहीं है इनकी लाइफ के, क्या इनके बच्चे इनको छोड़ के जाएंगे कभी। बड़ा नहीं मैं तो नहीं छोड़ तो नहीं पाएंगे मैम, मदर के साथ तो अटैच्ड रहेंगे हम, इनको भी देख रहे हैं। बड़ा बेटा देखे तो इनको एक्सपेक्ट कर रहा है, इनके हाउस बड़ा बेटा भी और दूसरा बेटा भी एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा बेटा तो बिल्कुल ही अटैच है मैम। तो ये दोनों बच्चे
मदर से फादर से ज्यादा अटैच है कि मदर से इमोशन संस्कारों में अटैच होंगे, इमोशनली अटैच होंगे क्योंकि मून आ गया वहां पर, और फादर से प्रैक्टिकली या बिजनेस से अटैच होंगे। बिजनेस से मैम, छोटा बेटा तो बिजनेस से अटैच है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको क्लास की जरूरत है नहीं है, आप लोग इसमें से कौन सा क्लास करना चाहते हो, किस तरीके से हम उसको सेट करें, तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं।